मामला श्योपुर के मानपुर थाने का है, जहां पर 22 जून को थाना मानपुर में फरियादी विनोद वर्मा के साथ अपाचे मोटरसाइकिल से आए दो व्यक्तियों के द्वारा 2,39,600 रुपये में लाल रंग के बैग के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना में थाना मानपुर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश व माल मशरूका बरामद करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्योपुर आलोक कुमार के द्वारा टीम गठित की गई थी। गठित टीम के द्वारा 4 जुलाई को पुलिस अधीक्षक श्योपुर आलोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर और SDOP अशोक सिंह जादौन के निर्देशन में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जहां पर मुखबिर की सूचना पर से लूट में संलिप्त आरोपी शहजाद उर्फ घोड़ा पुत्र सुबराती मुसलमान उम्र 39 साल निवासी वार्ड नंबर 10 श्योपुर हॉल निवासी इस्लामपुरा थाना तिघरा ग्वालियर व जाहिद खान पुत्र सिद्धि खान उम्र 30 साल थाना बटोदा को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से लूट में मशरूका कुल 70,000 रुपये बरामद किए गए। दोनों आरोपी गण में शहजाद उर्फ घोड़ा मध्य प्रदेश व राजस्थान में दर्जनों अपराध पंजीबद्ध हैं। लूटे गए मशरूका में 70,000 व फरियादी का बैग बरामद किया गया। पुलिस टीम की विशेष टीम के द्वारा लगातार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी गणों की गिरफ्तारी में प्रभारी समरसा, उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा, थाना प्रभारी देहात भारत सिंह गुर्जर, प्रधान आरक्षक अनिल राठौर, प्रधान आरक्षक मनोज शर्मा, प्रधान आरक्षक प्रमोद चौरसिया, हरिमोहन गुर्जर, आरक्षक धर्मेंद्र राठौर की अहम भूमिका रही। दिनांक 22/6 को मानपुर थाना क्षेत्र में विनोद बैरवा के साथ 2,39,000 की लूट हुई थी। इस लूट में पुलिस ने पतारसी करके दो आरोपियों को शहजाद खान एवं जाहिद खान को गिरफ्तार किए हैं, और जिसमें से एक शहजाद खान सुपुर का निवासी है और जाहिद खान सवाई माधोपुर राजस्थान का रहने वाला है, और दोनों आरोपियों से क्रमशः 40,000 और 30,000 रुपये की जब्ती की गई है। घटना में जो बैग छुड़ा कर ले गए थे, वो भी बैग की जब्ती कर ली गई है और शेष दो आरोपियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सर, इसमें एक आरोपी बताया जा रहा है कि आदतन अपराधी के रूप में है और काफ़ी सारे केस है उसके। इसमें शहजाद खान के विरुद्ध पूर्व में भी डकैती का प्रकरण चला है राजस्थान में गंगापुर सिटी में, और वो डकैती में सजा भी काटा है, तो उस पर हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं। उसका आपराधिक रिकॉर्ड करीब 1.5 दर्जन पूर्व में भी अपराध किए हैं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी प्राप्त करके और विवेचना में शामिल किया जा रहा है। ठीक है सर।